Dear ICSE and IAS student, 2022 के semester 2 board exam आपके result जो आने वाले हैं और यह इस समय सबसे ज्यादा trend करने वाला information है, तो इस information के पीछे का एक बहुत बड़ी बात या सबसे बड़ा सच क्या है, क्योंकि ये result सिर्फ आपके द्वारा दिए गए term 2 या semester 2 examination के written फैक्ट पर ही मार्क्स मिलेंगे, तो इससे भी बढ़कर जो स्कूलों ने आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या SUPW के मार्क्स भेजे हैं उनसे अफेक्टेड होंगे, और यह अफेक्शन या कह लीजिए कि यह अफेक्टिंग पॉइंट है करीब 4-5% तक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए करीब 7-8% तक प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स स्कूल ही भेजेंगे जिनको आपके होम टीचर्स और इन्विजिलेटर अगर गए होंगे तो उन दोनों के आधार पर तय किए गए हैं। और ए पॉइंट इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन नॉर्मली रहता है कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या SUPW में मिनिमम 50-60% मार्क्स स्टूडेंट को जनरली प्रोवाइड कर दिए जाए, अगर उनमें किसी तरह से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के फाइल वगैरह नहीं है तो वहां पर 50-55% मार्क्स स्टूडेंट को मिनिमम दिए जाए। यहां पर CISE की ओर से क्लियर जस्टिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन रहता है, लेकिन फैक्ट तो वर्क करता है स्कूल के आपके सब्जेक्ट टीचर जो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में भाग ले रहे होते हैं और अपने स्टूडेंट को जज कर रहे होते हैं, वे क्या रिकमेंडेशन करते हैं, मतलब कि आपका स्कूल ओवरऑल स्टूडेंट को क्या रिकमेंड करता है। पास्ट की कई घटनाएं जो मैंने अपने साथ अनुभव किए 2018, 2019 और 2020 में कि स्कूलों ने पर्याप्त मार्क्स नहीं भेजे, क्योंकि प्रत्येक स्कूल के मार्क्स भेजने का एक क्रिटेरिया होता है और यह क्रिटेरिया CISE एक्सेप्ट करती है कि इस स्कूल के इस तरह से रिजल्ट आते रहे हैं, इसलिए इतने ही मार्क्स प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या SUPW में मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। 10 स्टूडेंट है तो मैक्सिमम 70 मार्क्स, 20 स्टूडेंट है तो मैक्सिमम 140 मार्क्स या 130 मार्क्स, कुछ स्कूलों के लिए 100 मार्क्स भी डिसाइड हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट के मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर स्कूल पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या मार्क्स अवार्ड करते हैं, यह 2022 के सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद दिए जाने वाले रिजल्ट पर इसी तरह से अफेक्ट करेंगे, और इसके लिए आप एक क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं अपने स्कूल के सामने कि मुझे किन किन आधारों पर मार्क्स दिए गए, क्योंकि ये मार्क्स स्कूलों के द्वारा CISE को भेजे जाते हैं और CISE उन्हीं को फाइनल मानेगा और उसमें कोई तरह की चेंज नहीं होगी। इसलिए भी आपको अभी से इस बात के लिए माइंड मेकअप करके रखने होंगे कि कोई भी करेक्शन CISE स्कूलों को ही भेजेगी और स्कूल के लेवल पर ही मार्क्स के करेक्शन रिजल्ट होने के बाद निकलेंगे, और काफी लेंथी प्रोसेस है जिसमें CISE को स्कूल कुछ नहीं लिखता है। तो यह एक शॉकिंग रिविलेशन आपके लिए है कि मार्क्स को लेकर अभी से कॉन्शियस रहिए, यह कोई डराने वाली बात नहीं लेकिन एक बड़ी सच्चाई है। इसी बीच ओसवाल गुरुकुल के ए जो सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक आए हुए हैं ICSE के लिए काफी उपयोगी हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट के अलग अलग हैं, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से परचेज करते हैं तो काफी अभी छूट मिल रहा है 2023 बैच के स्टूडेंट के लिए और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।